तरफ से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे हों। तो आज के इस ब्लॉग में आ चुके हैं हम भोपाल, और भोपाल में आज हम घूमने वाले हैं, मतलब मल्टीपल जगह माता का दर्शन करने वाले हैं। और पंडाल तो यहाँ इतना बेस्ट नहीं देखने को मिलता है, मगर मैं एक्चुअली बहुत लेट हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादातर मूर्ति मतलब एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता कि इस जगह पर मुझे देखने को मिलेगा। मगर ऐसा है कि लोकेशन बहुत सारी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सब मूर्तियाँ मतलब अभी विसर्जन के रूप में आ चुकी है, मतलब विसर्जन के लिए जा रही है। और आई थिंक मैं ही लेट हूँ, क्योंकि मैं समय से नहीं निकला, क्योंकि दशहरा कल ख़त्म हो गए थे और दशहरा के एक और एक्स्ट्रा दिन है, तो मतलब आज सब विसर्जन के लिए निकल रही है। तो सब मतलब मल्टीपल जगह देखने को तो मिलेगा, मगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता, ये लोकेशन का है, ये लोकेशन का, मगर मल्टीपल जगह आपको माता का दर्शन करने को मिलेगा। मगर यहाँ एक चीज़ है, पंडाल आपको मतलब उतने बेस्ट तरीके से नहीं देखने को मिला, मगर मुझे बस एक जगह देखने को मिला है। ये अपन अभी आए हैं आनंद नगर में, ये आनंद नगर में मुझे कुछ काली माता का मूर्ति देखने को ऐसा मिलता है। ये अपन अभी आ चुके हैं आनंद नगर दशहरा मैदान, मतलब ये भी आनंद नगर में ही आता है, ये दशहरा मैदान है। भोपाल में एक चीज़ देखने को मिलेगा, मतलब पंडाल उतनी मतलब बेस्ट तरीके से डेकोरेट नहीं की हुई रहती, बस माता का दर्शन करने को आपको हर जगह मिलेगा। ये अपन अभी खड़ा रत्नागिरी बाईपास में,